जो सा हमने कल इनका डाला नहीं था तो देखें सूख गया है ये तो। अब इन्होंने नहीं खाना, इनके सफाई भी करते हैं, कबूतरों को भी खोला हुआ है हमने। फिर इनको दाना भी डालते हैं हम। सबसे पहले इसको उठाते हैं, ये भी अभी बाहर आ गए थे। मैं बस देखने के लिए खोला था मगर सारे उड़ के बाहर आ गए, इसलिए इनको खोल दिया, वरना पहले सफाई करनी थी फिर इनको खोलना था हमने। बस यार जितना भी गंद था ना सारा उठा लिया, तो ये अभी दाने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनको दाना डालते हैं हम। देखते हैं हमारे पास आते हैं। अभी हमें नीचे डालते हैं, वो नकापोश भी बाहर आया, ये भी खा लेगा। ओहो इतना ठीक है इनके लिए, जब ये खा लेंगे इनको और डाल देंगे हम। वो डब्बों का दाना देखो है ज़रा इधर बाहर ही इन हैं। बस ठीक है, रहना तो मैं सुबह सुबह डाल दूँगा। तो इन्होंने अंडा दिया है नहीं, इंशाल्लाह ये भी जल्दी देगी, और हमारे कबूतरों के भी बच्चे अब जल्दी आने लगे हैं, तकरीबन 5-6 दिन रह गए हैं ना। तो यार मैं थोड़ा सा ना खरगोशों के लिए ये लेके आया था, ये अंदर जाके डाल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या। ये शौक से खाएंगे हमारे खरगोश भी और तोते भी, जितना चलते हैं ये मुर्गियाँ भी खाएंगी शौक से, क्योंकि ये हमारे पौधों में पहले लगे होते थे, तो यार मुर्गियों ने सारे ज़ाया किए हैं हमारे। ये इसको लेके चलते हैं अंदर, ये भी बाहर ही आए हुए हैं, और इधर अभी काफ़ी भरा हुआ था, तो बंदर ही चलते हैं, वो सारा गंदा हुआ हुआ है। लाए ना ये हम डालते हैं इस सेट पर, तो यहाँ पर डालते हैं। ये है ये जड़ों सी नहीं होती, जो सी इसके साथ फूल लगते हैं। तो यार ये हमारे ना मुर्गियों ने बहुत खाए हैं, हम पौधों में लगाते थे मुर्गियाँ खा जाती थी, अभी देखते हैं हमारे खरगोश खाते हैं नहीं, अगर ये खाएंगे तो इनको सारी डाल देंगे हम, अभी देखते हैं। हो गए हैं ये तो, हमारे तोते भी खाते हैं, अभी मैं आपको थोड़े से डाल के दिखाता हूँ। जब टेर भी हमारे पास भाग भाग के आ रहे हैं, देखो ज़रा इनको भी दाना डालते हैं, थोड़े से मैं ऊपर डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे तोते भाग के आएंगे इन्हें खाने के लिए। चेक करें कैसे आ रहे हैं मेरे पास, इसने दाना ही खाना था, दाना हम ऊपर जो डाल देते हैं डब्बों को, तो इसी वजह से ये ऊपर खा नहीं पाते, तो मैं इन्हें थोड़ा सा नीचे डाल के जाता हूँ। वो खरगोश भी बीच में इनका खा लेते हैं दाना, तो ये भी बीच में खा लेते हैं, इनको काफ़ी डाल देते हैं इधर, ये खा लें इधर, उनको भी मैंने ऊपर डाल दिया, वो भी खाना शुरू हो गया है। यार खरगोशों ने तो नहीं ये खाया, अगर सुबह तक देखेंगे अगर खाया हुआ तो ठीक है, वरना ये सारा मुर्गियाँ खाएंगी। जब भी याद आया है ना, हम इनकी ब्रीडिंग भी चेक करते हैं। तो अभी यार ये फीमेल, मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलता ना अंदर भाग जाती अपनी मटकी के, ये नहीं मुझे देखने देती इसके कितने बच्चे हैं, अभी देखते हैं हम। फिर भी ये भाग जाए, अब देखने तो आएंगे हमने। यार माशाल्लाह देखिए कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, दो हैं, हाँ दो ही हैं। अभी इस मटकी में भी देख लेते हैं, वो माशाल्लाह यार इसकी मटकी में भी आ गए बच्चे, इस बार मैंने काफ़ी देर बाद जाके सबकी मटकियाँ देखी हैं, तो इधर भी देख लेते हैं। इधर भी माशाल्लाह देखिए बच्चे आ गए हुए हैं, वो देखें इसने अपने परों के नीचे लिया हुआ है, वो देखें साइड पर। फिर यार मैं कहता हूँ इनके लिए ना, इनके जो साइडों पर है ना अब कपड़ा कर देते हैं, क्योंकि अब सर्दी हो गई है और बच्चे भी आ गए हैं। मटकियाँ ऐसे जब ठंडी हो जाती है ना, तब इनको सर्दी लगने का खतरा होता है, तब इनके आसपास ना कपड़ा करते हैं। देख तो लेते हैं, ऊपर भी अब आ गए हैं, तो देख लेते हैं ऊपर भी कितने दिए हैं इन्हें। सारी मटकियाँ खाली, ये भी खाली, और उसमें तीन अंडे हैं मगर पता नहीं कितने पुराने हैं। और ये वाली मटकी में भी एक फीमेल जाती थी, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खा ली। यार ऊपर नहीं अभी तक अंडे आए, इतने ज़्यादा हैं सारे, मतलब ब्रीडर पेयर हैं ऊपर भी, मगर इन्होंने नहीं अभी तक निकाले, नीचे वाले ने निकाल लिए। तो ऐसा करते हैं इनके ना आसपास ना कपड़ा बिछाते हैं, जो सा ये ऊपर हमने नहीं दिया हुआ, यही वाला करना है। कपड़ा लेके आए हैं, अभी अंदर लेके चलते हैं, उनके ना ऊपर डालते हैं। चलो खोल लो, ऊपर से हमने उठा दिया, लबड़ को इधर रखा है, और ये वाला जो सा कपड़ा है ना ये अब डालते हैं। इन्होंने शोर देखें कितना मचाया हुआ है, तो अभी ना कपड़ा डालते हैं जल्दी से। पर देखें यार ऊपर कपड़ा डाला तो अंदर अंधेरा अंधेरा सा हो गया, मगर ठीक है, अब बाहर से रोशनी सीधा धूप इनके केज में लगती है, ठीक हो गया। अब ऐसे इनको ज़्यादा सर्दी तो नहीं ना लगेगी, सर्दी भी देखनी है ना अब।
ये ऊपर सेट करके रख दिया, अब जब कबीर आएगा तब भी इसको ना हम ना लबड़ के केज को ऊपर रख पाएंगे। तो अभी बाहर चलते हैं। तो यार इधर की अब सफाई भी करनी पड़ेगी, गंदे देखें कितना हो गया, इसके ऊपर काफ़ी गंद था ना, मिट्टी थी भी आ गया। तो अभी ना सबसे पहले यही उठा के रखते हैं केज इसके ऊपर। अभी ना सारा मतलब जीप सा हुआ है, यहाँ से मैंने कचरा भी उठाया है और ये भी यहाँ इसको बाहर लेके चलते हैं और केज को रखते हैं ऊपर। चलो ये जो सी ये शीट है और ये सब कुछ ना बाहर ले जाओ, मैं अंदर थोड़ा सा ना ये चीज़ें इनकी जगह पर रख के आता हूँ। कैसा हो गया है इधर देखें, सामने अंधेरा हो गया, मगर ना हम ना इधर एक लाइट भी लगाते हैं, एक होता नहीं जो सी हीट वाली होती है, येलो कलर की रोशनी देता है वो बल्ब, तो वो वाला लगाएंगे, उससे हीट भी मिलेगी और इन्हें रोशनी भी मिलेगी। तो इन्होंने नीचे सारा बाजा जितना भी डाला था ना मैंने इन्होंने ख़त्म कर दिया है। यार इनके पट्टे भी पड़े हैं, वो नहीं खा रहे, ये खा रहे हैं, चलो इनकी मर्ज़ी, दाना खाएं या पट्टे खाएं। अब बंद कर दो केज, क्योंकि अभी अंधेरा हो गया तो इन्होंने सारा नीचे से दाना भी खा लिया, तो अभी सारे अंदर गए चले, इनका भी करते हैं। फिर यहाँ से हमारे खरगोश बाहर आया था, बिल्ली लेगी, अब हम बड़ा एहतियात करते हैं इसके आगे, ऐसे पहले ईंट रखते हैं फिर ऐसे रख के जाते हैं कि बिल्ली भी अब बना के ना कुछ कर ना पाए। ऐसा है ना, ये हम अपनी मुर्गियों को डालेंगे, देखना अभी कैसे खाती है। मैं थोड़ा सा ले जाता हूँ और उनके आगे और डालता हूँ, ये थोड़ा सा आता ही नहीं, ये अब देखना ये खाएंगी। खोलो वहाँ पर नीचे लगी होती इतना गमलों में, तब ये बहुत खाती थी, अभी वो देखें अभी भी खा रही हैं, कर दिया यार।